सो हे गाइस, दिस इज शिवांगी। तो ये वीडियो था, मुझे लाना था मदर डे के लिए, तो सॉरी इसके लिए मैं काफ़ी लेट हो गई इस वीडियो को लाने के लिए। एक्चुअली हो क्या रहा है इस वक्त तो मेरे साथ कि मैं वीडियो तो बना ली हूँ पर पता नहीं क्यों मुझे ना एडिटिंग करने का मन नहीं कर रहा है। क्यों हो रहा है, किस लिए हो रहा है, सही बताऊँ तो मैं बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब चल रही हूँ इस टाइम। तो छोड़ो ये सब तो लगा रहता है, फ़िलहाल मैं आपको दिखाना चाहूँगी कि मैं क्या बना रही हूँ। तो मैंने ये वाइट कलर का A4 साइज का पेपर लिया था और जिसको आप अपने अकॉर्डिंग मेज़रमेंट कर सकते हो। इसको मैंने 8x8 का ड्रॉ कर लिया था और एक बॉक्स बना लिया था और फिर उसके बाद इसका हाफ मतलब 4 इंच का लेकर के मैंने इसके हेल्प से इसको राउंड अप कर लिया था, ठीक है। फिर इसके बाद क्या है कि मैं, आप देख पा रहे हो वीडियो में कि मैं क्या कर रही हूँ, यहाँ से फोल्ड कर रही हूँ। तो बस आप इसको भी ऐसे फोल्ड कर लेना और यहाँ पर मैं क्या करूँगी, ब्लैक एंड वाइट, ठीक है। अगर आपको जिसके लिए भी, अगर आप बना रहे हो मदर के लिए, सिस्टर के लिए, ब्रदर के लिए, या बेस्ट फ्रेंड फॉरएवर, जो भी है आपका, जो भी है, तो आप उसके फेवरेट कलर के अकॉर्डिंग आप बना सकते हो, ठीक। तो यहाँ मैं क्या कर रही हूँ, ब्लैक एंड वाइट का, सॉरी ब्लैक वाइट और रेड तीनों का यूज़ कर रही हूँ, ठीक है। और आप तो जानती हो ब्लैक वाइट और रेड क्या है, तीनों का कॉम्बिनेशन बिल्कुल परफेक्ट है। तो बस मैंने ये 4 इंच का क्या किया था, सर्कल ड्रॉ किया था, फिर उसको मैंने क्या किया, हाफ फोल्ड करके उसको कट कर लिया, ब्लैक को भी किया और रेड को भी किया, ठीक। फिर इसको मैं क्या करूँगी, ग्लू के हेल्प से ये जो राउंड अप वाला पेज था जिसको मैं फोल्ड कर रही थी उसको मैंने चारों तरफ से स्टिक कर दिया, ठीक है। फिर 1x1 देखिए, आप जैसे मैं फोल्ड कर रही हूँ इसको आप इस तरह से फोल्ड करना, अंदर आप क्या कर सकते हो, कोई मैसेज या फोटो कुछ भी उसमें आप अटैच कर सकते हो, ठीक है। वो फर्स्ट था, अब ये क्या है, अब ये सेकेंड है। इसमें मैंने क्या किया है, A4 साइज का पेपर लिया है, ठीक। फिर इसको मैंने क्या किया है, दोनों साइड से फोल्ड कर लिया, पहले हाफ हाफ फोल्ड किया है मैंने, फिर उसके बाद हाफ फोल्ड करने के बाद फिर मैंने उसका हाफ हाफ फोल्ड किया, ठीक। फिर उसके बाद फिर मैं उसको फोल्ड कर रही हूँ, जैसे ऐसे मैं इसको फोल्ड कर रही हूँ आप बस उसको वैसे वैसे फॉलो करना। ऐसे हो सकता है कि मैं आपको सही तरीके से डिफ़ाइन ना कर पाऊँ, बट आपको वीडियो में ये ज़्यादा क्लियर समझ में आएगा कि मैंने इसको किस किस तरीके से फोल्ड किया है, ठीक है। तो मैं जैसे जैसे फोल्ड कर रही हूँ, जब तक मैं फोल्ड कर रही हूँ तो प्लीज़ आप मेरे वीडियो को लाइक कर देना एंड चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और ये वीडियो आपकी कितनी हेल्पफुल हुई मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। और प्लीज़ अपनी मदर के लिए और सभी लोगों के लिए प्लीज़ मुझे एक रेड हार्ट जोड़ देना, पूरे मेरे कमेंट बॉक्स रेड हार्ट से फिलअप कर देना आप लोग, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। तो ये मैंने फोल्ड अप कर लिया, फिर यहाँ पर आप देखोगे ये ऐसे ट्रायंगल शेप में आएगा, ट्रायंगल शेप में आएगा। तो बस आपको वैसे ही ट्रायंगल शेप का नोटिस करके आपको बस ये क्या करना है, फोल्ड करना है, जैसा कि मैं आपको वीडियो में भी दिखा रही हूँ। तो बस आप इस चीज़ को फॉलो करना। तो ये कंप्लीट हो चुका है, अब मैं क्या करूँगी, रेड और ब्लैक कलर का जो ये मेरा शेप आया है, तो बस उस शेप में मैं क्या करूँगी, रेड और ब्लैक दोनों को कट कर लूँगी। फिर उसके बाद हाफ हाफ फोल्ड करके मतलब बस मैं उसको हाफ हाफ फोल्ड करके ऐसे होता है ना चौकोर सा ऐसा शेप लेकर आऊँगी, और फिर उसका हाफ भी मैं कर दूँगी कि ये ट्रायंगल शेप मेरा ईजली आ जाए, ठीक है। फिर मैं क्या करूँगी, अपर साइड में, ऊपर साइड में क्या करूँगी, ब्लैक कलर से उसको अटैच करूँगी। अगर आप चाहे तो आप रेड भी कर सकते हो, बट मैंने क्या किया, रेड को अंदर किया है और ब्लैक को ऊपर किया है, ठीक है। तो आप ये नोटिस करना कि मैं रेड को कहाँ कहाँ लगा रही हूँ। मैं क्या करूँगी, रेड को क्या करूँगी, देखिए आप देखना कि ये जो ट्रायंगल शेप आ रहा है ना हमारा, बस ये हमारा मतलब बिल्कुल दिखना चाहिए कि ये जो रेड वाला पोर्शन है ना, ये भी हमारा बाहर में दिखना चाहिए। तो आप इस चीज़ को नोटिस करके हुए आप रेड और ब्लैक को, सॉरी वो वीडियो आपको पूरा नहीं दिख पाया क्योंकि उसका वो जो मैंने वीडियो बनाया था ना, तो हुआ क्या था कि मेरे साथ मैं वीडियो तो बना रही थी पर हुआ क्या कि वीडियो बना रही थी लेकिन वो वीडियो में वो मतलब वो सीन वो आया नहीं,
उसके बदले कुछ और ही आ गया, मतलब कुछ और क्या, मतलब खाली टेबल आ गया, बस मुझे टेबल ही दिख रहा था और मुझे लग रहा था कि मैं लाइन पर हूँ, वो दिख रहा है पर वो आया ही नहीं, तो इसलिए मुझे उसको क्या करना पड़ा, एस्केप करना पड़ा और उसको कट करना पड़ा। तो कोई नहीं, आप बस उसको कर लेना, अगर आपको नहीं समझ में आएगा तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, मैं उसकी नेक्स्ट वीडियो ज़रूर लाऊंगी। तो फिर ये मैंने क्या किया है, ये थर्ड मैंने बनाया है, इसके लिए भी मैंने क्या किया, एक पेपर लिया था, आप अपने अकॉर्डिंग साइज़ ले लेना, और ये मैंने पेपर लिया था और उसको मैंने फ़ोल्ड कर लिया था, ठीक है। फिर ये मैंने एक रेड कलर का पेपर लिया था, उसको हाफ़ फोल्ड किया था, जो हमारा वाइट वाला पेपर था उसके अकॉर्डिंग, मतलब उसके साइज़ का मैंने लिया था। हाफ़ फोल्ड करने के बाद मैंने क्या किया था, हाफ़ वाले को निकाल दिया था, मतलब दोनों को हाफ हाफ कर दिया था, और फिर इस वन जो एक हाफ था उसको मैंने हार्ट शेप में ले लिया था और उसको हार्ट शेप में लेकर के बीच से कट कर दिया था, ठीक। और सेकेंड वाला जो हाफ है इसको मैंने पूरा अच्छे से ग्लू करके, फिर इसके पर आप कुछ भी लाइक रिबन या फिर जूट का थ्रेड, आप कुछ भी, मतलब ऐसा मेरे पास यही था, जूट वाले ही थ्रेड था तो मैंने यही अटैच किया है। अगर आपके पास रिबन हो या फिर इसके अलावा और कुछ भी ऐसा कोई अच्छा सा सुंदर सा होता है ना कि ब्यूटीफुल सा एकदम वो होता है थ्रेड होता है, ऐसा कुछ होगा तो आप वो भी यूज़ कर सकते हो, ताकि ये बांधने के काम है, ठीक। आप इसमें यहाँ फ़ोटो भी लगा सकते हो, मैसेज भी लिख सकते हो, आप इस ये अपने पार्टनर को भी दे सकते हो। अगर आपको ये मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय एंड टेक केयर।